हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मूवीज टाइप का पोस्टर कैसे बनाएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और जो इमेज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का बैकग्राउंड इमेज है और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इमेज गूगल से डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए इसे हम लोग मैनिपुलेशन करके पोस्टर बनाते हैं और मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी टाइप करके रखा हुआ है। सबसे पहले मेरे पास एक इमेज है, इसका मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी चेंज करके रखा हुआ है ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसको हम लोग ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और हम लोग ड्रैग करके थोड़ा इमेज को बड़ा कर लेंगे और हम लोग बीच में कर देंगे। इसको सनलाइट जो हम लोग के पास है इसको हम लोग लाएंगे। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे सन लाइट ओवरले। आप यहां से कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी है यहां पे, इसको हम लोग ड्रैग करके लाएंगे। उसके बाद इसका हम लोग ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहां से आएंगे यहां पे, इसको हम लोग ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे। ये इसको हम लोग ये वाला इमेज का लेयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और ऐसे हम लोग इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे और ओके कर देंगे। इसको हम लोग ड्रैग करके ऊपर करेंगे और इसका हम लोग ओपेसिटी इस तरह कम कर देंगे। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड का डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम लोग माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर पे सेलेक्ट करेंगे हम लोग और ओके कर देंगे। इसको भी हम लोग ड्रैग करके ऊपर कर देंगे और इसका हम लोग ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ से इसका हम लोग ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट क्लिक कर देंगे ताकि इमेज का कलर और ये बैकग्राउंड का कलर मैच हो। और इसका हम लोग मास्क लेयर क्रिएट करेंगे यहाँ से और यहाँ से फिर हम लोग ठीक कर देंगे। तो चलिए हम दूसरा इमेज लाते हैं। ये वाला इमेज हम लोग लाएंगे यहाँ पे, और इसका भी हम लोग ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, ओवरली कर देंगे या ओवरली लाइट। और इसको हम लोग ड्रैग करके नीचे लाएंगे, सबसे नीचे। उसके बाद इसका हम लोग मास्क लेयर क्रिएट करेंगे ताकि ये जो लाइन है समझ में रहे हट जाए। ऐसा हम लोग मास्क लेयर क्रिएट करेंगे और ब्रश लेंगे, ओपेसिटी को हम लोग 50% कर देंगे और फ्लो को हम लोग भी 50% कर देंगे। ब्रश का इस तरह हम लोग बड़ा कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो लेयर तो मिट गया और समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद ये जो इमेज है इसका हम साइज हम लोग थोड़ा क्रॉप करेंगे यहाँ से, और हम ओके कर देंगे। कल हम लोग दूसरा इमेज लाएंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैं डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको हम लोग ड्रैग करके ऊपर कर देंगे सबसे। इसका भी हम लोग ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे यहाँ से, ओवरली का। इसको हम लोग ड्रैग करके सबसे नीचे कर देंगे। इसका मास्क लेयर क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ से और साइड की तरह हम लोग इरेज कर देंगे ताकि मैच हो जाए। उस पर हम लोग यहाँ पे आएंगे एडजस्टमेंट लेयर पे, कलर लुकअप में जाएंगे, लो 3D लाइट में जाएंगे और ये वाला ऑप्शन हम लोग क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा उसका इफेक्ट है। उसके बाद फिर हम लोग एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे, लेवल लेंगे और हम लोग लेवल तरह इसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे। और मैं यहाँ पे ऑलरेडी डेट टाइप करके रखा हुआ है, इसको हम लोग ड्रैग करके लाएंगे यहाँ पे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे। वैसे ही इसको भी लाएंगे
आप देख सकते हैं ये जो पोस्टर था मूवी टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा हम लोग ये वाले इमेज को हम लोग ठीक करेंगे ताकि और रियल लगे। फिल्टर में जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे, इसको हम लोग एक्सपोज थोड़ा ज़्यादा कर देंगे और कंट्रास्ट को भी बढ़ा देंगे और हाईलाइट को भी थोड़ा बढ़ा देंगे और डिटेल में इसको हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देंगे और ओके करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग। आप इस तरह कोई भी फोटो को मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।